हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के बारे में। ठीक है, इसमें बात करने वाले हैं हम लोग वित्त आयोग के बारे में। याद रखिए, आपके जितने भी संगठन ख़त्म होते जा रहे हैं उन सभी को मैं आपकी जो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ। ठीक है, वित्त आयोग, इसकी व्यवस्था कौन से आर्टिकल में की गई? 280 में, आर्टिकल अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। और अनुशंसाओं की चर्चा किस, वित्त आयोग की अनुशंसाओं की चर्चा किस आर्टिकल में की गई? अनुच्छेद में 281 में। ठीक है, 281 में इसकी अनुशंसाओं की चर्चा की गई और व्यवस्था इसके गठन की 280 में है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में। इसका बता दें, इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, और जो भी अनुशंसाएं होती हैं वित्त आयोग की, ये राष्ट्रपति दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि वित्त आयोग को सिविल कोर्ट का दर्जा मिला हुआ है। सिविल प्रिसिडर कोड 1908 के तहत राष्ट्रपति द्वारा गठन हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। ठीक है, इसकी संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसे सार्वजनिक मामलों में अनुभवी होना चाहिए। किसे? अध्यक्ष को। इसमें 4 सदस्य होते हैं, जो एससी का न्यायाधीश इस पद पर योग्य व्यक्ति हो, लेखा एवं वित्त मामलों का जानकार होना चाहिए, अर्थशास्त्र का जानकार होना चाहिए एक को, और एक को प्रशासनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। ठीक है, इनके पास ये योग्यताएं होना चाहिए। इनकी नियुक्ति कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ठीक है, और इनकी पुनर्नियुक्ति भी संभव है। ठीक है, दोबारा इन्हें इलेक्टेड, ठीक है, चुना जा सकता है। वित्त आयोग के कार्यों की बात करें हम लोग, तो इसके कार्यों में शामिल है संघ व राज्यों के बीच करों का वितरण, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के तरीकों का सुझाव देना इसके प्रमुख कार्य में और शामिल हैं पंचायतों व नगर पालिकाओं को संसाधन की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के उपाय सुझाना भी इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, अब ऐतिहासिक पहलू की बात करें इसके बारे में वित्त आयोग के, तो तत्कालीन कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर द्वारा पहले वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। किस द्वारा? भीमराव अम्बेडकर द्वारा। वर्ष 1951 में वित्त आयोग अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे के सी नियोगी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। पहले कौन थे? के सी नियोगी, याद रखना। तो ये था आपका वित्त आयोग। आगे हम लोग बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ठीक,